हरिद्वार संत समाज ने उत्तर प्रदेश विकास बोर्ड की तर्ज पर हरिद्वार विकास बोर्ड बनाए जाने की मांग की, जिससे हरिद्वार का भी विकास हो सके। जहां एक ओर हरिद्वार जिला प्रशासन धर्मनगरी हरिद्वार में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं पर वेस्ट मैनेजमेंट चार्ज लगाने की तैयारी कर रहा है, जिला प्रशासन द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसके अंतर्गत बाहर से आने वाले यात्रियों पर कितना टैक्स लगाए जाए, साथ ही इस टैक्स को होटल धर्मशाला के द्वारा यात्रियों से वसूला जाए आदि प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर होटल व धर्मशाला वाले इसका सख्त विरोध कर रहे हैं। आखिर क्या है ये निस्तारण चार्ज और क्यों हो रहा है इसका विरोध, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हरिद्वार नगर निगम द्वारा स्थानीय निवासियों से कूड़ा निस्तारण चार्ज लिया जाता है, मगर हरिद्वार में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसकी वजह से हरिद्वार में काफी गंदगी भी होती है, जिसको नगर निगम द्वारा उठाया जाता है। इसका चार्ज श्रद्धालुओं से नहीं लिया जाता। हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि भारी संख्या में यात्री हरिद्वार आते हैं, जिसके कारण काफी गंदगी भी होती है। अभी हरिद्वार नगर निगम द्वारा स्थानीय लोगों से ही यूजर चार्ज लिया जाता है। जिलाधिकारी का कहना है कि इस चार्ज के माध्यम से किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, मगर कूड़ा निस्तारण के लिए पर्याप्त संसाधन होने भी जरूरी है और उस टैक्स के माध्यम से संसाधनों में बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे हरिद्वार शहर साफ सुथरा रहेगा। हरिद्वार में जो यात्री होटल धर्मशाला में रुकेंगे, वह रूम के चार्ज के साथ अलग से कूड़ा निस्तारण चार्ज भी होटल धर्मशाला वालों को ही देंगे। इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। हरिद्वार नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त तनवीर सिंह मरवाहा का कहना है कि जिलाधिकारी द्वारा ली गई बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। जिस तरह से उत्तराखंड की टूरिस्ट प्लेस में पर्यटकों से चार्ज लिया जाता है, उसी की तर्ज पर हरिद्वार आने वाले यात्रियों से भी चार्ज लिया जाएगा, क्योंकि हरिद्वार एक टूरिस्ट प्लेस है। प्रतिदिन यहाँ पर लाखों की संख्या में यात्री आते हैं, जिसे नगर निगम में कूड़ा निस्तारण के लिए संसाधन की जो कमी है वह दूर होगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस पर अमल करने में थोड़ा बहुत समय लगेगा। जिला प्रशासन द्वारा होटल धर्मशाला के माध्यम से यात्रियों से कूड़ा निस्तारण चार्ज वसूल करने को लेकर होटल धर्मशाला वाले इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यात्रियों से चार्ज वसूल करना यह कार्य नगर निगम का है, उनका नहीं। पहले भी हरिद्वार में इस तरह की व्यवस्था थी। हरिद्वार ज्वालापुर के पास चेक पोस्ट पर यात्रियों से चार्ज वसूल किया जाता था। उनका कहना है कि कोरोना महामारी से पहले ही कर्मचारियों की कमी है, इस तरह से यात्रियों से चार्ज वसूल करने से व्यापारियों और यात्रियों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी और नगर निगम द्वारा हमारे चार्ज से वसूला जाएगा, चाहे यात्री हमें दे या ना दे। जिला प्रशासन के इस निर्णय का हम विरोध करते हैं, क्योंकि पहले ही सरकार हमारे से कई तरह के टैक्स वसूल कर रही है। इसका तो विरोध होना चाहिए, बहुत तकड़ा विरोध होना चाहिए। पहले सरकार हमसे घाय कर के रूप में और सीवर का पानी का बहुत ज़्यादा पैसा वसूल कर रही है, और वैसे ही कोरोना महामारी चल रही है, उसके ऊपर ये नया टैक्स लगा देना कोई उचित ही नहीं है इस चीज़ का। और इससे तो बल्कि यात्री और मैनेजमेंट में आपस में झगड़ा बढ़ेगा और कुछ नहीं होने का। मुझे लगता है कि लाखों लोग हरिद्वार आते हैं, निसंदेह व्यक्ति को दशांश दान करना चाहिए। हरिद्वार जो है वो सप्तपुरियों में से एक पुरी है। उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश विकास बोर्ड बनाया, जिसका चेयरमैन किसी न किसी आईएएस को या किसी न किसी बड़े लोगों को बनाया जाता था। मुझे लगता है, मैं अगर डीएम साहब से बात करूंगा तो मैं एक सुझाव दूंगा कि हरिद्वार विकास बोर्ड बनना चाहिए। उस विकास बोर्ड के चेयरमैन जिलाधिकारी हो या उस विकास बोर्ड के चेयरमैन कोई बड़ा व्यक्ति हो, जिसके द्वारा हरिद्वार का विकास किया जा सके। जैसे यूजर चार्ज लगाना और उसको वसूलना, ये काम नगर निगम का है, हमारा नहीं है। पहले भी ये व्यवस्था थी, जो हमारे जो चेक पोस्ट थे पहले, जो बादराबाद से पहले ज्वालापुर से आगे लगा हुआ था, वहाँ पे यात्रियों से कर वसूलने की पहले व्यवस्था थी। तो हमारा तो कहना ही है कि ये जो काम इनका अपना स्वयं का है वो हमारे पे ना थोपे और ना हम ये काम करने वाले हैं। हम पहले ही कोरोना काल की वजह से बहुत परेशान है, हमारे काम ठप है, हमारे पे कर्मचारी भी नहीं है। कौन पैसा लेगा, कौन यात्रियों से झगड़ा करेगा, यात्री को झगड़ा हमें पैसा दे ना दे, ये तो हमारे पे थोप देंगे इस बात के लिए कि यात्री आया और आप इतने यात्री आए उतने पैसे दीजिए।
तो ये तो बिल्कुल गलत निर्णय है और हम इसका विरोध करते हैं। तो डीएम सर, डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी हुई थी, डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी की बैठक जो हुई थी उसमें एक प्रस्ताव पारित डीएम सर ने किया कि जैसे मसूरी के भांति जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पर एक चार्ज लिया जाता है, एंट्री फीस टूरिस्ट से ली जाती है, तो यहां पर जैसे हम लोग कूड़ा का यूजर चार्जेस लेते हैं वो यहां के रेजिडेंट्स से लेते हैं कि रेजिडेंट्स का जो कूड़ा उठाया जाता है उसके पैसे लेते हैं, जबकि ये टूरिस्ट प्लेस है, यहां पे प्रतिदिन नॉर्मल टाइम्स में 1.5 से 2 लाख यात्री आते हैं, तो उनसे कूड़ा मतलब जिसको बोलते हैं कूड़ा निस्तारण एक फीस ली जाए, वो एक आइडिया वो किया गया ताकि हमारे रिसोर्सेस उससे बढ़ेंगे, कूड़ा निस्तारण के रिसोर्सेस बढ़ेंगे और हमारे उस पे वित्तीय जो हमारे प्रावधान है उस पे भी थोड़ा लोड कम पड़ेगा। अभी एक विचार किया है, उसका आगे कार्रवाई करने के लिए जो है हम लोग अभी वर्कआउट कर रहे हैं। इसमें क्या है कि हमारे हरिद्वार जनपद में, विशेषकर हरिद्वार शहर में काफी फ्लोटिंग पॉपुलेशन आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पिलग्रिम्स आते हैं, तो ऑब्वियसली ये स्वाभाविक है कि वेस्ट भी जो है, पॉलिथिन वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ये काफी जनरेट होता है। अभी हम केवल हरिद्वार शहर में नगर निगम जो स्थायी पॉपुलेशन है उनके ऊपर हम यूजर चार्जेस लगाते हैं, तो अभी एक विचार चल रहा है तो जिसमें जो है पर्यटक और श्रद्धालु भी जो वेस्ट जनरेट करते हैं उनका भी जो है एक वेस्ट मैनेजमेंट चार्जेस टाइप का जो है लगाने के लिए हम अभी होमवर्क कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसके लिए जो है अंतिम निर्णय होने के बाद आपको ऑफिशियली डिक्लेयर करेंगे। ये टैक्स की बात नहीं है, ये टैक्स की बात नहीं है, और दूसरी बात ये किसी को परेशान या इस प्रकार का करने की बात नहीं है। अभी क्या है कि हमारे पास जो कूड़ा प्रबंधन है, जितना वेस्ट जनरेट होता है उसका अकॉर्डिंगली संसाधन भी होना चाहिए। जब संसाधन है तभी जो है यहाँ हमारा शहर भी साफ सुथरा रहेगा, जब शहर साफ सुथरा रहेगा पर्यटक बहुत ज्यादा मात्रा में और आएंगे। दूसरी बात, अभी क्या स्वरूप होगा, कितना रुपया लगाएंगे, 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपया क्या लगाएंगे, ये अभी हमने तय नहीं किया, इसका जो है विचार विमर्श अभी चल रही है। समय साक्षी के लिए हरिद्वार से कुंवर सिद्धार्थ दापी की रिपोर्ट।